विशाल के पास थ्री है, अनुष के पास टू है, थ्री टू।
थ्री बड़ा है टू से, थ्री इज ग्रेटर देन टू, थ्री इज ग्रेटर देन टू। तो ग्रेटर के लिए हम कौन सा निशान लगाएंगे, ये, और ये कौन सा सिंबल कहलाता है, ग्रेटर देन का, कौन सा सिंबल कहलाता है, ग्रेटर देन का। थ्री ग्रेटर है इसलिए ये थ्री की साइड। देखिए जैसे हमारे अम्ब्रेला होती है, अम्ब्रेला जो होती है जब हम खोलते हैं उसको तो उसकी जो टिप होती है वो ऊपर की साइड होती है और खुला हुआ हिस्सा हमारी साइड होता है। इसी तरीके से ये अम्ब्रेला की तरह है, अगर मैं अम्ब्रेला को ऐसे पकड़ लूंगा तो उसकी टिप ऊपर की तरफ होगी और उसका खुला हुआ हिस्सा मेरी तरफ होगा। इसलिए जो बड़ा नंबर होगा ये ग्रेटर देन का साइन उस तरफ खुला हुआ होगा, जो बड़ा नंबर होगा ग्रेटर देन का साइन उस तरफ खुला हुआ होगा, और जो छोटा नंबर होगा उस तरफ इसकी टिप होगी। तो ये ग्रेटर देन का साइन इस तरीके से लिखेंगे, इसको बोलेंगे क्या, थ्री इज ग्रेटर देन टू, थ्री इज ग्रेटर देन टू। अब यहां देखिए टू क्या है, स्मॉल है, पर स्मॉलर के लिए हम ये साइन लगाएंगे इस तरीके से, इसको क्या बोलेंगे, टू इज स्मॉलर देन थ्री, टू इज स्मॉलर देन थ्री, टू छोटा है किससे, थ्री से। तो देखिए जो छोटा है उसकी तरफ क्या आ गई, ये नो, ये इसकी टिप आ गई, और जो बड़ा है उसकी तरफ ये छतरी खुली हुई है, ये खुला हुआ है, इसमें जैसे यहां थ्री की तरफ खुला हुआ है वैसे ही यहां पर थ्री की तरफ खुला हुआ है। लेकिन हम जब ग्रेटर देन का साइन की बात होगी, ग्रेटर देन का साइन लगाना है तो इसी तरीके से लगाएंगे, जब लेस देन का साइन लगाना है तो इसी तरीके से लगाएंगे, क्योंकि हम रीड कहां से करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर, यहां लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं हम, लेफ्ट में पहले थ्री है और राइट में टू है, तो थ्री इज ग्रेटर देन टू, यहां पर लेफ्ट में टू है और राइट में थ्री है, तो टू इज लेस देन थ्री, इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो इसका हम एक्टिविटी ए करते हैं, देखिए देखिए स्किल ड्रिल की एक्टिविटी ए है, काउंट थिंग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, ये जो इमेज दी हुई है इनको काउंट करना है और इनके नीचे जो बॉक्स बने हुए हैं उसमें वो काउंटिंग लिखनी है कि कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए कुछ फ्लावर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तो हम इस बॉक्स में कितना लगेंगे, फाइव। नेक्स्ट देखिए वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो इसमें बॉक्स में हम लिखेंगे थ्री। तो अब देखिए ये फाइव ज्यादा है या थ्री, तो यहां पर फाइव ज्यादा है इसलिए हम इसकी तरफ ये ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, फाइव बड़ा है इसलिए थ्री से, इसलिए ग्रेटर देन का साइन यहां लगाएंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए कब दिए हुए हैं, काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हम यहां क्या लिखेंगे, सिक्स। अब देखिए सिक्स ज्यादा है या फाइव, तो जहां ज्यादा है सिक्स वहां पर हम ये वाला निशान लगाएंगे क्योंकि फाइव कम है यहां पर, तो देखिए क्या बोलेंगे इसको, फाइव, ये लेस देन का साइन लगाएंगे, फाइव लेस देन सिक्स या फाइव स्मॉलर देन सिक्स। देखिए फाइव बड़ा है
थ्री से ये लिखेंगे हम फाइव इज ग्रेटर, किससे बड़ा है थ्री से, देन क्या लिखेंगे थ्री, फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, और यहां पर देखिए फाइव जो है सिक्स से छोटा है, इसलिए क्या लिखेंगे फाइव इज स्मॉलर देन सिक्स, यहां पर बड़ा है तो हमने क्या लिखा फाइव इज ग्रेटर देन थ्री। देखिए हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं और राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, फाइव इज लेस देन सिक्स, या फाइव इज स्मॉलर देन सिक्स, फाइव इज स्मॉलर देन सिक्स, इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बाकी के क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन, नंबर लाइन हम इस तरीके से बनाएंगे, मेरे पास बोर्ड में थोड़ी जगह कम है इसलिए मैंने इसमें लाइन के ऊपर नंबर लिख दिए हैं, आप जो बनाएंगे वो लाइन के नीचे ही नंबर लिखेंगे, टेन नीचे लिखेंगे, इलेवन अकॉर्डिंग, इस तरीके से। इसमें देखिए कंपैरिजन कैसे करते हैं, आपको एक नंबर दिया है 19, ये 19 है और 19 के यहां है राइट साइड, कौन सी साइड है राइट साइड, और यहां पर कौन सी साइड है लेफ्ट साइड, नाइनटीन के इस तरफ राइट साइड और नाइनटीन के इस तरफ लेफ्ट साइड। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि 15 19 से छोटा है या बड़ा है, 15 19 से छोटा है या बड़ा है, तो हम देखते हैं कि 15 19 के किस साइड में है, 19 के किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, अगर लेफ्ट साइड में है तो कैसा होगा छोटा होगा, कैसा होगा छोटा होगा, और अगर आपसे ये पूछा जाए 23 19 से कैसा है, बड़ा है या छोटा है, ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो देखिए 23 19 के किस साइड में है राइट साइड में, किस साइड में है राइट साइड में है, इसलिए 23 कैसा होगा 19 से बड़ा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि हम लेफ्ट से राइट साइड में देखते हैं, हमें देखना है 19 और 23 को देखना है, 19 के राइट साइड में है 23, इसलिए 23 बड़ा होगा और 19 छोटा, 15 को देखेंगे तो 15 19 के लेफ्ट साइड में है इसलिए 15 छोटा होगा। या एक नंबर आपको ये दे दिया जाए कि बताइए 24 से कैसा है, छोटा है या बड़ा है, 16 24 से कैसा है, छोटा है या बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे 16 lies, 16 lies to the left of 24, to the left of 24, 16 कहां पर है, 16 कहां पर है 24 के लेफ्ट साइड में है, इसलिए 16 कैसा होगा छोटा होगा। और अगर से ये पूछा जाए आपसे 16 10 से कैसा है, बड़ा है या छोटा है, तो आप क्या लिखेंगे 16 lies to the right of 10, इसलिए कैसा होगा बड़ा होगा,
16 lies to the left of 24. इसके लिए तो क्या लिखेंगे? 16 is smaller than 24. और smaller के लिए कौन सा साइन आता है? 16 is smaller than 24. ये वाला, ये smaller साइन है. इस तरीके से हम इसको लिखेंगे. और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो 20 है वो 10 से कैसा है, तो हम क्या लिखेंगे? 20 lies to the right of 10. 20 10 के कहां है? राइट में है. इसलिए ये क्या होगा? 20 is greater than 10. Greater than 10. और इसको क्या लिखेंगे? Greater than का साइन क्या होता है? देखिए 20 greater than 10. इस तरीके से. तो ऐसे हमें लाइंस पे अगर कोई नंबर दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा. ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है. देखिए एक्टिविटी बी में, यस देखिए बी एक्टिविटी आती है यूजिंग द नंबर लाइन पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन द बॉक्स प्रोवाइडेड. हमें एक नंबर लाइन दी हुई है और यहाँ बॉक्स में के साथ दो नंबर दिए हुए हैं और नंबर लाइन की हेल्प से हमें पता लगाना है कौन सा नंबर छोटा है या बड़ा. तो देखिए 28 और 33. 28 और 33. 33 28 के राइट साइड में है. 33 28 के राइट साइड में है और 28 33 के लेफ्ट साइड में है. देखिए मैं इसके बीच में यहां मैं खींच देता हूं. ये हो गई राइट साइड और ये हो गई लेफ्ट साइड. तो अब देखिए 33 का है राइट साइड में और 28 का है लेफ्ट साइड में. मैंने आपको बताया अगर दिया हुआ नंबर पूछे गए नंबर के लेफ्ट साइड में है तो दिया हुआ नंबर कैसा होगा? छोटा. और अगर वो राइट साइड में है तो बड़ा. तो यहां पर देखिए 28 33 कैसा है? लेफ्ट साइड में है तो 28 कैसा होगा? छोटा यानी स्मॉलर. इस तरीके से हम इस सिंबल का यूज करेंगे. ये थर्ड क्वेश्चन मैंने कर दिया है. इसके बाद 1, 2, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन आप खुद करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम जनरल रूल ऑफ कंपैरिजन नंबर्स पढ़ेंगे. अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये आगे बहुत काम आने वाली चीजें हैं. थैंक यू.